कुदरत ने, भगवान ने हमें जो भी दिया है, बहुत ज़रूरी है हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाएं। अगर हम ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं तो हमें कुदरत और बख्शती है और देती है। पर अगर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं जो भी हमारे पास है, तो कुदरत कभी कभी वो भी हमसे छीन लेती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रैटिट्यूड दिखाएं हमारे पास जो भी है। जितने भी ट्रबल्स हैं हमारे लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो कहाँ ना कहाँ उस बच्ची ने इस बर्थ में या पास बर्थ में दूसरे बच्चों को चिढ़ाया है उनके कम मार्क्स के लिए। या फिर आप की बहुत अच्छी डिग्री आपको मिल गई है और आपको जॉब नहीं मिल रही है, सो कहीं ना कहीं आपने दूसरों से इतना काम करवाया है और उसके लिए उनको पैसे नहीं दिए हैं, या आपने किसी को नौकरी लेकर दे सकते थे, आपने नहीं लेकर दी है, तो इसकी वजह से ये जन्म में नौकरी का कष्ट आपके पास आया है। आप पैसे कमा रहे हैं लेकिन वो सेव नहीं हो रहे हैं, आपके खर्चे हो रहे हैं, सो कहीं ना कहीं आपने किसी के इनकम में ट्रबल डाला है। मे बी आपके ऑफिस के बाहर किसी की दुकान चल रही थी और आपने उनको तंग किया है, या उनसे आपने कमीशन्स मांगे हैं। आप मैरिजेबल एज के हैं या आपके बच्चे मैरिजेबल एज के हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो कहाँ ना कहाँ आपने किसी की शादी में, या आपके एल्डर्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने किसी की शादी में जाकर रुकावट पैदा की है। इसके लिए वो कष्ट आपके ऊपर आता है, आपके परिवार के ऊपर आता है। बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी हो गई है, कई बरस हो गए हैं और बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो शिव जी भी पार्वती जी को बताते हैं कि मैं उनको वो नक्षत्र देता हूँ जब वो बॉर्न होते हैं, और उस नक्षत्र से पता चलता है कि कौन सा कर्म इन्होंने किया है, इसलिए उसे बच्चे नहीं हो रहे हैं या इसलिए उन्हें कष्ट हो रहा है, अलग अलग प्रकार का कष्ट हो रहा है, तो उसके भी रेमेडीज़ हैं। अगर पास्ट बर्थ में आपने किसी जानवर के बच्चे को मारा है, तो ये जन्म में आपको बच्चा होने में प्रॉब्लम होता है या आपको बच्चों का सुख नहीं मिलता है, आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो मे बी पास्ट बर्थ में या ये जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जहाँ पर रोगी को कष्ट हुआ है, आपने उसके घर उसका हटा दिया है और वो बीमार था, तो इस तरह से दूसरों के बीमारी में उनको कष्ट देने से कहीं ना कहीं वो कष्ट हमारे ऊपर वापस आता है। आप बहुत आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन आपको वो लक्ष्य नहीं हासिल हो रहा है, आपको एनलाइटमेंट नहीं मिल रहा है, आपको एक शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, आपको लग नहीं रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही है, तो ऐसे में आपने कहाँ ना कहाँ किसी को आपके स्पिरिचुअल पावर से मिसगाइड किया है। इफ़ नॉट इन दिस बर्थ, मे बी लास्ट बर्थ आपने किसी स्पिरिचुअल गुरु को हर्ट किया है, आपने किसी स्पिरिचुअल गुरु की बुराई की है, तो इस तरह से इस अलग अलग प्रकार के पाप हम करते हैं और उसका भुगतान हमको ये जन्म में करना पड़ता है। नेचर हमें बहुत से मौके देती है अपनी गलतियों को सुधारने के, और मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी कि जैसे अगर आपने पास्ट में बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया है तो वो बुद्धि आपको आपके लाइफ में साथ नहीं देती है। आपने खाना किसी को नहीं खिलाया है तो ये जन्म में आपको खाने की बहुत तकलीफ होती है, आपको आपका मनपसंद खाना नहीं मिलता है खाने के लिए। आपने किसी को विद्या नहीं दी है, किसी को पढ़ाया नहीं है, तो ये जन्म में आपको बहुत एजुकेशन की तकलीफ़ होती है, आपको या तो पैसे नहीं होते हैं एजुकेशन के लिए, या तो वो माहौल नहीं मिलता है पढ़ाई करने का, या आपके फेवरेट कॉलेज स्कूल में आपको एडमिशन नहीं मिलता है। आपने किसी की बेइज्जती की है तो ये जन्म में आपको भी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। आपने लास्ट बर्थ में किसी को कोर्ट केसेस में परेशान किया है, ये बर्थ में वो आपको कोर्ट केसेस के लिए परेशान करेंगे। आपका घर नहीं बन रहा है, आपने पास्ट बर्थ में या ये बर्थ में किसी का घर बिगाड़ा है, किसी का घर तोड़ा है, तो ये बर्थ में आपको वो कष्ट सहना पड़ता है।
इसके बहुत सिंपल से रेमेडीज हैं। आपको किसी को कुछ देना नहीं होता है, ना ही पैसे खर्च करने होते हैं, ना ही आपको चैरिटी करनी होती है, ना आपको मंत्र चैंटिंग करना होता है। इसके सिंपल रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी राशि वाइज। आपकी जो भी राशि है, आपको सिर्फ उस सेक्टर में, उस पर्सन से आपको बहुत ही इमोशनल सपोर्ट देना है। तो आप अभी जानेंगे हम राशि वाइज आपको कहाँ आपको इमोशनल सपोर्ट करना है, ताकि आपके प्रॉब्लम्स लाइफ के जो हैं वो कम हो जाए। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, जैसे राजा दशरथ, सब कुछ था उनके पास, फिर भी उनको बेटे से सुख नहीं मिला और बेटे की जुदाई उनको सहन करनी पड़ी। क्या रीजन था? रीजन ये था कि उन्होंने श्रावण के माता पिता को दुखी किया था, श्रावण को मार डाला था और माता पिता ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम भी पुत्र के विछोड़े में मरोगे। तो सब कुछ होते हुए भी, राजा होते हुए भी उन्हें दुख सहना पड़ा था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में उन्होंने नेगेटिव कर्मास किए थे। अब राम भगवान ने तो कुछ नेगेटिव कर्म नहीं किए थे, पर क्योंकि पिताजी ने किए थे, इसीलिए राम जी को भी सहना पड़ा। उन्हें भी महल छोड़कर, अपनी राजगद्दी छोड़कर उन्हें वनवास में जाना पड़ा। तो इस तरह से अगर आपने कुछ नेगेटिव कर्मास किए हैं, आपके बड़ों ने कुछ नेगेटिव कर्मास किए हैं, आपके एंसेस्टर्स ने कुछ नेगेटिव कर्मास किए हैं, तो उसका भुगतान कहीं ना कहीं हमें करना पड़ता है। और हमारे लाइफ में कहाँ ना कहाँ एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, चाइल्ड, हेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम राशि वाइज जानेंगे कि कहाँ हमें इमोशनल सपोर्ट देने से हमारे प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं। ये वीडियो बन रहा है कैप्रिकॉन साइन के लिए। कैप्रिकॉन साइन जो है, उन्होंने क्या कर्मास किए हैं पास्ट बर्थ में और क्या ब्लॉक है, कौन सा एक सिंपल रेमेडी, जिसे हम बोलते हैं इमोशनल बॉन्ड, शो योर लव एंड इमोशंस एंड चेंज योर डेस्टनी। सो क्या करने से आपका जो डेस्टनी है वो चेंज हो जाएगा? यहाँ पर कार्ड्स दिखाते हैं कि आपका कैप्रिकॉन राशि का कौन सा जो फील्ड है वो ब्लॉक्ड है। सो यहाँ पर कार्ड दिखाता है कि आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, आपका फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा है, आपके रुके हुए पैसे नहीं आ रहे हैं और आपके मे बी जहाँ से भी आप पैसे एक्सपेक्ट करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, आपकी जो स्पीच है वो अपग्रेड नहीं हो रही है। सो कहाँ ना कहाँ आपने आपके फैमिली को, आपके वेल्थ को, आपके बैंक बैलेंस को आपने क्रिटिसाइज किया है। सो बेसिकली आपको एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाना है आपके फैमिली के साथ। अगर आप फैमिली के साथ आपके अच्छे रिलेशन नहीं हैं, तो आपको उन्हें कॉल करना है और उनसे अच्छा एक इमोशनल बॉन्ड बनाना है। आपकी फैमिली को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, आपके बैंक बैलेंस को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना है और आपके स्पीच को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। उसे आप अपग्रेड कीजिए, पर कभी भी क्रिटिसाइज मत कीजिए। अपने बारे में कभी भी नेगेटिव मत बोलिए, अपने लुक्स के बारे में कभी भी नेगेटिव मत बोलिए। जितना आप खुद को अप्रिशिएट करेंगे, जितना आप नेचर को ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे, उतना नेचर आपको सपोर्ट करती है, उतना आपके ब्लॉक्स क्लियर करती है। सो जस्ट ये सिंपल रेमेडी करने से, एक इमोशनल बॉन्ड दिखाने से आपकी लाइफ जो है वो क्लियर हो जाती है। और आप इमोशनल सपोर्ट दीजिए, बी अ गिवर, डोंट आस्क फॉर रिसीविंग इमोशंस। आप गिवर बनिए और आपके नेचर ब्लॉक्स जो है वो क्लियर करती है। आप देखेंगे आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपकी स्पीच अच्छी हो रही है, और अगर आप अनमैरिड हैं, आपकी फैमिली नहीं बन रही है, तो वो जल्दी से बनेगी, आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप
एट प्रेजेंट फैमिली को एक ऑपोजिशन मान रहे हैं, एक ऑपोजिट टीम मान रहे हैं, तो आप और कर्मास कर रहे हैं जिसे आगे जाकर आपको पैसे की तकलीफ होगी, आगे जाकर आपको खुद के फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा, अपने बीवी और बच्चे का या अपने हस्बैंड और बच्चों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, और आपको आपकी स्पीच कहीं ना कहीं हेल्प नहीं करेगी, आपको आपके लुक्स कहीं ना कहीं हेल्प नहीं करेंगे। तो आपके स्पीच को, आपकी ब्यूटी को, आपकी फैमिली को, आपके बैंक बैलेंस का ग्रैटिट्यूड दिखाना है। जितना आप ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे उतने ब्लॉक्स क्लियर होंगे और आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो। काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।